सतयुग में भी देवी मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी ये फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है। दुनिया को देखते हैं एक तरफ और एक तरफ बच्चों को देखते हैं तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे प्रिय लगते हैं। इसलिए अपना धाम छोड़ करके यात्रा की ब्रह्मा बच्चा तो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा नहीं है बाप नहीं है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया, अति प्यारे और अति। तो बाबा कभी आ जाते तो इसलिए बाबा कहते बच्चों के स्नेह का जो आकर्षण है, पर वो स्नेह क्या है? रूहानी, पवित्र, रूहानी, प्यार भरा, शक्तिशाली। आत्मा इतनी शक्तिशाली होती है जो बाबा ने कहा भगवान को भी अशरीर से शरीर लोन लेकर के शरीर में आना पड़ता है, ऐसा आकर्षित कर लेती है। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं, स्नेह के सागर में समाने का दिन है।